आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है और इतना ज़्यादा कोहरा है कि क्या ही बताऊँ। मैं दिखा देता हूँ तो वो बेटर है। ये देखो भाई साहब, ओ भाई साहब, अंदर ही चलते हैं बैठते हैं। इतनी ठंड में इंसान क्या करे यार, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आज का दिन है। एनीवेज, वेलकम टू दिस चैनल। Can't wait, life will teach me. Jumping out, I'm falling free from my own walls. I'm ready now to feel it all. I don't know why I'm in this darkness for so long. तो ये वीडियो आप लोग देख रहे होगे ट्यूसडे को, सॉरी आप लोग देख रहे होगे वेडनेसडे को, क्योंकि मैंने ये शूट की है ट्यूसडे को। तो ये वीडियो हमेशा मैं ये वाली जो एपिसोड डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ सुबह के टाइम। अगर सुबह के टाइम आप लोग नहीं देखते हो, यूजुअली आप वो वाली ऑडियंस हो जो रात में देख रहे हो, तो कमेंट में बताओ तो मैं फिर रात में डालूंगा। वैसे ही ऑडियंस मेरी सिर्फ 30-40 लोग की ही है, तो या इट मैटर्स, बट इट मैटर्स या एनीवेज। आप लोग पीछे ये देख रहे हो, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई कटाना। Scope because of my promos, but really it's because of my dope shows. Even haters admit it, Nitro got dope flows. You know what I heard through the grapevine is they don't like rap music, but they like mine. Yeah, I hear this type of thing all the time. I'm the exception. सबसे पहले ये दिखाता हूँ। तो ये वाली जो कटाना देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तलवार घर में, दीज आर नॉट रियल स्वॉर्ड्स। बेसिकली ये वुडन है और ये एनिमे के फैंस कह दो या जिनको स्वॉर्ड का शौक है, काइंड ऑफ इन शॉर्ट ये एक शोपीस है। तो कंफ्यूज हो रहे हो कि शोपीस क्या मतलब। तो बेसिकली ये जो तलवार है इसको कहते हैं कटाना। ये वुडन कटानास हैं। ये देखिए आप भाई साहब, बहुत ही मस्त है ये। और इनकी क्वालिटी जो मतलब प्रोडक्ट, भले ये वुडन है लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि हाई क्वालिटी मटेरियल के बने हुए हैं। तो ये वाली जो कटाना है इसका बेसिकली नाम है वाड़ू इचिमोंजी कटाना। अब ये नाम मैंने नहीं दिया है, नाम जो इसको दिया है ये एक सीरीज में दिया है, एनिमे आता है जिसका नाम है वन पीस। हाँ, बट मैंने ये कटाने इसलिए लिए बिकॉज मुझे बचपन से सॉर्ड आर्ट का बड़ा शौक था। ये जो जैकी चैन, ब्रूस ली, इन सब की मैं मूवीज़ देखता था, इनके अलावा और भी जिनका मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो मुझे ऐसा बहुत बढ़िया लगती हैं। मैं दिखाता हूँ एक बार खोल के इस वाली को। इंटरेस्टिंग ना, बहुत ही मस्त है ये। अब मैं दूसरी दिखाता हूँ। तो इस वाली का नाम है, इसका नाम है कितेत्सु कटाना। ये रेड कलर में बहुत ही मस्त है, ये भी दिखाता हूँ। इसका पैटर्न देखो, ये रे भाई हमारी सोल्ड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और जितने अच्छे क्वालिटी का ये वुड है जिसमें यूज़ है, उससे भी बेटर मटेरियल का ये चीज़ है। अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली पाइप है, लकड़ी तो नहीं है, प्लास्टिक है, क्या है, बैम्बू है, बट जो भी है ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का है। और ऑब्वियसली ये थोड़ी कॉस्टली भी हैं। वैसे अगर इन सारी कटानास की एक वीडियो देखनी है अनबॉक्सिंग की, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने खूब सारे वीडियोस का लिंक डाला है, वो मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस का लिंक है, उसमें मैंने इन सारी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वीडियोस डाली हैं। आई लव बोथ ऑफ देम। Keep my name out your trap, homeboy.
दोनों को एक साथ खोलता हूँ. Being too complacent, body. You should pick this up quick. I learned it from John Gotti, and I heard it through the grapevine that I'm an a-hole, of course, 'cause they hate when you know more than they know. New lord of the underground in my town. It takes more than a snuff of me to back down. थंबनेल के लिए अच्छी आ गई होगी. और मेरे पास एक कटाना स्टैंड भी है जिसका काम होता है कटाना को रखना. ये रहा वो. ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कटाने इस पे कैसे रखते हैं. तो बेसिकली कटाना को हम स्टैंड पे ऐसे कुछ रखते हैं और इसका जो हैंडल होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. ये बेसिकली पीस का एक सिंबल है कि राइट साइड मतलब वो वॉर के लिए रेडी हैं और लेफ्ट साइड मतलब पीस. इसमें राइटी और लेफ्टी वाले का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ वैसा ही है. मैं राइटी हूँ तो मैं राइट हैंड से पकड़ूंगा हैंडल. तो राइट साइड नहीं रखेंगे हम, लेफ्ट साइड रखेंगे फॉर पीस. ये मतलब सही तरीका है इफ़ यू वांट टू शो रिस्पेक्ट टू दिस कल्चर, टू योर कटाना. बेसिकली असली हो या नकली हो, रिस्पेक्ट तो देना चाहिए. वैसे इट्स नाइट टाइम, ख़त्म हो चुका है आज का दिन, तो मैं दिखाता हूँ बाहर जाके. यार लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, पता नहीं क्यों ये लग रहा है इस बार. भाई साहब मैं कोहरा दिखाता हूँ, इस टाइम कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है. इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? रुको मैं लेंस चेंज करता हूँ, दूसरे लेंस से दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें लो लाइट में अच्छी वीटी हो जाती है. बेटर. ओ भाई साहब पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा है भाई. ये देखो, ये देख रहा है, ये इसमें ना ये देख सकते हो धुआं. मैं फोकस में हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड है. मस्त लग रहा है यार. ओ भाई बहुत ही ज़्यादा कोहरा है. ये मेरा फेस देखो, रेड नाक रेड हो गई होगी. हो लेकिन बढ़िया यार, जो भी है मतलब मुझे अच्छा लगा. Said I was whack, she said that I ran like a black duck. Put the white mask on, make them all scream. You can find the eye and nitro, but not a team. Nah, man. Yeah, I heard. तो ये रात के डिनर के बाद वाली जो लेट नाइट का स्नैक्स होते हैं ना, वो खाने में मजा बढ़ाता है. मेरे फेवरेट. Anyways, let me enjoy my meal. This is episode number 7. तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में. Like, share and subscribe this channel. Okay, bye bye. See you tomorrow.